हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं एक अच्छा सा वीडियो लेकर आई हूं अपने ब्लाउज का कलेक्शन की। मेरे पास कौन कौन सी डिजाइन के ब्लाउज हैं और वो मैंने खुद से स्टिच किए हुए हैं। टेलर से एक भी ब्लाउज मैंने नहीं बनवाया है। तो चलो, मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करती हूँ और अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मैं सबसे पहले दिखाती हूँ एक ब्लैक कलर का ब्लाउज जो आगे से बोट नेक में है और स्लीव्स इसकी छोटी हैं। और देखिए, ये पीछे से कुछ इस तरह की डिजाइन बनी हुई है, बोट नेक है, फिर यहाँ पर ये डिजाइन है। और इसमें ना साइड में मैंने ओपन रखा है, यहाँ पर साइड में मैंने चैन लगाया है। और ज्यादातर डिजाइन्स बैक में ही होती हैं, तो इसमें मैंने स्लीव्स सिंपल ही रखी थी और ये पहनने पर बहुत ही ब्लाउज अच्छा लगता है। तो एक तो मेरा ये हो गया और अब मैं एक दूसरा ब्लाउज दिखाती हूँ जो सिल्क का है। और ये सिल्क की साड़ी थी, उस पर ये इस तरह का पैटर्न था, मोर बने हुए थे। तो फिर मैंने सोचा इसमें कौन सी डिजाइन डालूँ, अगर मैं डिजाइन बनाती हूँ तो ये पूरा मोर कट जाता, इसलिए मैंने पीछे से बोट नेक रखा हुआ है और आगे से मैंने बड़ा सा नेक बनाया हुआ था, राउंड नेक। और इसमें आगे हुक बटन की पट्टी आगे है और यहाँ पर मैंने इसको कोल्ड स्लीव्स की डिजाइन डाली थी, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पर छोटा ही रखा था, छोटी सी ही डिजाइन बनाई थी, पर बहुत ये जब मैं पहनती हूँ ब्लाउज तो ये जो पीछे का ये है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरा, तीसरा मतलब अगला ब्लाउज। तो वो भी ब्लैक कलर का है, क्योंकि साड़ी के ब्लाउज हैं तो ज्यादातर ब्लैक कलर के ही हैं। तो ये पीछे से एकदम राउंड नेक है और मैंने डोरी लगाई थी, और ये साड़ी में इस तरह का था तो इसमें भी मैंने पीछे कर दिया था, आस्तीन में मैंने नहीं डाली। और इसमें मैंने आगे या पीछे मैंने डिजाइन नहीं बनाई है, इसमें मैंने आस्तीन में इस तरह की फ्रिल वाली डिजाइन बनाई थी। और ये फ्रिल वाली डिजाइन काफी अच्छी लगती है, और लेकिन जब इनकी फ्रिल ना एकदम छोटी सी ही हो, इतनी सी ही हो, अगर इससे बड़ी फ्रिल होगी तो इतनी अच्छी नहीं लगती है। तो ये जब फ्रिल वाली आस्तीन है ना, ये पहनने पे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर ब्लाउज बनता है। तो ये हो गया फ्रिल वाला। और अब मैं दिखाती हूँ आपको अगला ब्लाउज। तो उसमें ना मैंने पीछे की साइड हुक बटन किया था, तो आगे से ये ऐसे ही है, मतलब बोट नेक में है। और ये इसमें मैंने डीप नेक रखा था, पीछे से एकदम डीप है, ये बहुत डीप नेक है, बस थोड़ी सी पट्टी सी है, वो पीछे ही मैंने हुक बटन की भी बनाई थी। और एक पिंक कलर का और एक ब्लाउज है, तो उसमें मैंने इस तरह की डिजाइन बनाई थी, बोट नेक है, फिर ये गोल सा बना हुआ है पूरा बड़ा सा, बहुत अच्छा लगता है। और इसमें भी मैंने चैन जिप भी लगाया था। और एक मेरे पास स्लीवलेस ब्लाउज है, वो मेरा बहुत अच्छा लगता है मुझे पहनने पर, ये देखिए, ये मैंने खुद से स्टिच किया हुआ है। इसमें मैंने पीछे के साइड हुक बटन किए थे और इसमें मैंने स्लीव्स भी नहीं लगाए हैं। और यहाँ पर मैंने बेल्ट बनाया था, ये यहाँ पे ना ऐसे ये बेल्ट बनी है, ये इस साइड से ऐसे ऐसे। तो ये ना, ये जो पट्टी है, ये साड़ी के जो साड़ी में निकलती है वही है। तो ये मैंने स्लीव्स, क्योंकि मुझे लगानी नहीं थी, तो ये वाली पट्टी मैंने पीछे से लेकर आगे तक मैंने लगा दिया, तो ये बहुत ही अच्छा लगता था। इस डिजाइन की वजह से ये ब्लाउज बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर अब मैं दिखाती हूँ आपको अगला नेक्स्ट ब्लाउज। तो ये आगे से तो सिंपल ही है और आस्तीन भी सिंपल ही है, तो ये पीछे से इस तरह का है, ये बहुत ही सुंदर ब्लाउज लगता है, मस्त लगता है ना, बहुत ही अच्छी डिजाइन है। ये देखिए, ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है। और ये जो यहाँ पर ये पट्टी लगी हुई है, ये जो स्लीव्स में बॉर्डर है, स्लीव्स में इसी का मैंने यहाँ पर पट्टी लगाई थी अलग से, ये पट्टी ना अलग से ज्वाइंट है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इस वजह से ये ब्लाउज ना काफी पहनने पे बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अगला अपना ब्लाउज, एल्बो तक आस्तीन है ये,
और ये मेरी साड़ी बहुत सुंदर लगती है। ये पीछे से मैंने राउंड नेक डीप नेक रखा हुआ है और इसके मैंने लटकन देखिए बनाए थे, बहुत ही सुंदर मैंने खुद से बनाए थे लटकन, और फैब्रिक के ही बनाए थे। और पीछे से मैंने कोई डिजाइन नहीं डाली है, बस राउंड नेक है और बॉर्डर, ये जो स्लीव्स मतलब ये बॉर्डर है साड़ी का ही बॉर्डर है तो ये मैंने पीछे लगा दिया था। और आगे के साइड भी राउंड नेक है, आगे मैंने इसमें काज पट्टी किया हुआ है, बस इसमें मैंने यहाँ स्लीव्स में मैंने डिजाइन बनाई है। तो ये मैंने मतलब फ्रिल डाला था, ये वाला फ्रिल है ये दूसरा वाला, तो इसमें मैंने इतना इतना सा बनाया था। और ये पहनने पे ना बहुत ही सुंदर ब्लाउज लगता है क्योंकि ये अल्बो तक आता है, फिर इसकी फ्रिल आती है ना तो बहुत ही मस्त लगता है ये ब्लाउज। ये भी बहुत ही सुंदर ब्लाउज है। तो अब मैं दिखाती हूँ अपना अगला ब्लाउज। तो ये देखिए मेरा ये है, ये मैंने डीप नेक बनाया है और इसके लटकन आप लोग देख सकते हैं, और इसकी भी आस्तीन अल्बो तक है। और इसमें मैंने आगे या फिर मतलब बैक साइड या फ्रंट साइड मैंने डिजाइन नहीं डाली है, बस इसमें मैंने यहाँ पर जो आस्तीन है ना यहाँ पर मैंने नेट की, ये नेट का बना हुआ था पत्ती की तरह का, तो इसको मैंने यहाँ पर डाल दिया ना आस्तीन पे, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। आपको दिखाती हूँ एक बार डाल के, ये देखिए अच्छा लगता है ना, ये काफी सुंदर लगता है, बहुत ही मुझे बहुत ही पसंद है ये ब्लाउज। तो इस तरह से ये ना दो कलर में साड़ी है तो दो कलर में ब्लाउज भी है। तो ये है एक मेरा ब्लाउज, और अब मैं दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट ब्लाउज। तो ये मैंने अपने हाथ से स्टिच नहीं किया है, ये मैंने स्टिच करवाया है, पर ये बहुत ही सुंदर ब्लाउज है। ये देखिए आगे से इस तरह से नेक है और पीछे से ना दिखाती हूँ बहुत सुंदर सा है। ये देखिए ये ऊपर से बोट नेक है और नीचे पूरा डीप नेक है, मतलब नीचे से, और इसमें ना डबल डोरियां लगी हुई हैं। ये देखिए एक तो ये डोरी लगी हुई है और एक नीचे डोरी लगी हुई है, और ये ना मैंने ये लैस लगवाई है तो मोती वाली, ये रॉड वाली लैस है, तो ये बहुत काफी सुंदर लगता है इसकी वजह से ये ब्लाउज। और इसमें ना मैंने स्लीव्स में भी डिजाइन डलवाया था, तो ये देखिए ये स्लीव्स की डिजाइन बहुत ही सुंदर लग रही है, और इसकी भी स्लीव्स अल्बो तक ही हैं, और इसकी जो स्लीव्स की डिजाइन है वो काफी मस्त लग रही है। बहुत ही ये ब्लाउज ना पहनने पर बहुत अच्छा लगता है। इसको मैंने लहंगा पर वेयर किया था शादी में, बहुत ही सुंदर लगा था। ये देखिए बहुत ही प्यारा लुक आता है, और इसका जो ना फैब्रिक है वो सिल्क पे है तो इस वजह से ना बहुत ही अच्छा है, और इसका बॉर्डर भी यहाँ पर दिया हुआ है ये देखिए, तो इसकी वजह से ब्लाउज मुझे बहुत पसंद है। इसकी ये वाली डिजाइन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत 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 ही ज्यादा सुंदर लगती है। आप लोग भी बताइएगा कि कैसा लगा। और अब मैं अगला ब्लाउज दिखाती हूँ, तो वो भी सिंपल ही है पर अच्छा है। तो ये देखिए ये है फ्रंट, मैंने इसको फ्रंट से ओपन रखा है, और मैं बैक साइड दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी स्लीव्स ना मैंने ये अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई थी, बहुत ही सुंदर बनी थी, और ये मैंने ना करवा चौथ पे ये साड़ी पहनी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। और एक चीज़ ना मैंने पीछे इसमें डिज़ाइन डाला था, ये वाला बांधने वाला है ये, तो यहाँ पर ना मैंने पतला सा बॉर्डर भर का ही कपड़ा छोड़ा था, और यहाँ पर ना मैंने बांधने के लिए यहाँ मतलब फैब्रिक की ही डोरी लगाई थी, तो ये खुला हुआ है, इसको मैं खोल भी सकती हूँ बांध भी सकती हूँ, तो इस वजह से ये ब्लाउज ना बहुत ही मस्त लगता था, ये पहनने पर बहुत ही अच्छा लगता है, और इसकी मुझे स्लीव सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये देखिए मेरा अगला ब्लाउज है, तो ये है फ्रंट साइड, फ्रंट से ये ओपन है और एकदम सिंपल है, राउंड नेक है, और बैक में ना इसमें डिजाइन बनी हुई है, ये देखिए। ऐसे ही डिजाइन बनी हुई है, यहाँ पर ये सीधी सी पट्टी गई है और इधर से राउंड गया है, और फिर यहाँ पर ना डोरी लगी हुई है, तो ये बहुत अच्छा लगता है ब्लाउज। मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए, और फिर मैं दिखाती हूँ अपना दूसरा ब्लाउज।
तो ये भी राउंड नेक ही है। मेरे ज्यादातर ब्लाउज राउंड नेक ही हैं, बस किसी किसी में मैंने डिजाइन्स डाले हैं तो किसी में आस्तीन में डाला है। ये मेरी सिल्क की साड़ी का ब्लाउज है, इसको मैंने ओपन रखा है फ्रंट साइड, और इसकी स्लीव्स में मैंने अल्बो तक रखी थी, थोड़ा अल्बो से ऊपर है, पर मैंने ना यहाँ पर कटिंग कट किया था स्लीव्स में, तो इसकी वजह से ये जब पहनते हैं ना तो ये काफी ऐसे सुंदर सा लुक आता है, इस साइड ऐसे आता है, तो ये बहुत सुंदर लगता है पहनने पर, काफी अच्छा लगता है। तो एक तो ये हो गया, और अब मैं दिखाती हूँ अपना लास्ट लास्ट ब्लाउज, बहुत ही सुंदर है ये भी। सबसे पीछे से एकदम बहुत सराउंड है, मतलब बहुत ज्यादा ही, मतलब इसके मैंने गले की कटिंग की थी, तो ये पीछे का हो गया, और ये हो गया फ्रंट। फ्रंट में भी राउंड है पर छोटा है, बैक में डीप नेक मैंने किया था, और इसकी स्लीव्स ना अम्ब्रेला मैंने रखी हुई थी, पर इसकी मैंने थोड़ा बड़ी स्लीव्स रखी थी, अल्बो तक आती हैं, तो ये काफी सुंदर लगता है। और जो मैंने येलो कलर का ब्लाउज दिखाया था उसकी स्लीव्स यहाँ तक आती हैं, मतलब अल्बो के ऊपर ही आती हैं, और इसकी अल्बो तक आती हैं, तो ये काफी अच्छा लगता है। इसका घेरा ना काफी ज्यादा है, तो ये बहुत सुंदर सा लगता है, बहुत ही मस्त ब्लाउज लगता है ऐसे। ये देखिए बहुत ही प्यारा ब्लाउज है। तो ये थे मेरे ब्लाउज के कुछ डिजाइन्स, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और कौन सा ब्लाउज अच्छा लगा ये भी बताइएगा, और फिर मैं अगला वीडियो पार्ट टू डालूंगी, कुछ और ब्लाउज की डिजाइन्स लेकर आऊंगी। कुछ मेरे पास रेडीमेड ब्लाउज हैं जो मैं दिखाऊंगी। तो ये थे मेरे ब्लाउज, ये था मेरा ब्लाउज का कलेक्शन। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की बाय बाय।